सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और यहाँ पर रियलमी ने अपडेट देना पुश कर दिया है अप्रैल महीने के। अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पर रियलमी ने कुछ अपने डिवाइसेस को अप्रैल महीने के अपडेट देना पुश कर दिए हैं और कुछ डिवाइसेस को अभी कर रहा है। कुछ डिवाइसेस को मिल चुका है और कुछ को नहीं मिला। इस वीडियो में बात करेंगे किन डिवाइसेस को अपडेट मिल चुका है और किन को अभी तक नहीं मिला। तो बने रहिए वीडियो के ऊपर। मेरा नाम है नीतीश, आप देख रहे हैं टेक डॉट। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रियलमी स्टार्टेड रोलिंग आउट अप्रैल सिक्योरिटी पैच अपडेट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रियलमी ने यहाँ पर अप्रैल महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ अपने डिवाइसेस को अपडेट देना पुश कर दिया है। कुछ डिवाइसेस को यहाँ पर मिल चुका है, जैसे यहाँ पर मिला हुआ है अभी रियलमी C1 को अप्रैल महीने का अपडेट मिल चुका है 8.66 का। अगर आपने नहीं किया तो OT या के सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक कीजिए, आपको वहां पर मिल चुका होगा। अगर मैनुअल करना है तो रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। और अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिए, मैंने उसमें पूरा बताया है कि आपको कैसे अपडेट करना है। रियलमी 2 में भी आ चुका है 8.66 का, इसकी वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। रियलमी U1 के लिए भी आपको C.18 का जो अपडेट आया था वो भी अप्रैल महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ था, वो अपडेट भी यहां पर रियलमी ने पुश कर दिया है। यहां पर रियलमी ने रियलमी 6 के लिए भी B.23 का अपडेट पुश किया है और रियलमी 3 और 3i के लिए 8.27 का और रियलमी UI का अपडेट यहां पर पुश किया है। अगर आपको मिल चुका है तो बहुत बड़ी बात है। जिसको लिंक चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, Realme 3 और 3i का। एंड Realme C3 का अप्रैल अपडेट भी आपको देखने को मिल चुका है 8.19 का। और Realme X50 Pro में आज ही अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है 8.13 का। अगर आपको मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बता देना। इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो अपडेट को डाउनलोड कर ले, इजी से मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।